रामगिरी महाराज की ओर से पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मुस्लिम समुदाय में नाराजगी व गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड बुरकुंडा क्षेत्र के मुस्लिम समाज ने तामीर मिल्लत के बैनर तले हुजूर पैगंबर साहब की शान गुस्ताखी भरे अल्फाज कहने वाले रामगिरी महाराज के खिलाफ SDPO कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया और मुस्लिम समाज रामगिरी महाराज के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई। मौके पर अनवर मौलाना एवं मुफ्ती तहसीन अशरफ मिसबाही जामा मस्जिद भुरकुंडा के इमाम ने बताया कि नासिक हरिनाम सप्ताह मौजे पांचाले तहसील सिन्नर जिला नासिक महाराष्ट्र में चल रहे सप्ताह के उपदेश के दौरान गिरी महाराज ने दर्शकों को लाइव संबोधित करते हुए हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौके पर तामीरे मिल्लत कमेटी अध्यक्ष रुस्तम अंसारी, आजाद अंसारी, सचिव अनवर, मौलाना मुफ्ती तहसीन अशरफ मिसबाही जामा मस्जिद इनाम, कारी सरफुद्दीन फयाज अहमद, मोहम्मद मुदस्सिर, मोहम्मद नशीम, मोहम्मद साबिर, मोहम्मद शमसुल अशगर, अशद गोल्डन, महफूज बिहारी आदि लोग शामिल रहे। पतरातू से जयकिशन पाठक की रिपोर्ट। अभी तक गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई। लाचार और मजबूर होकर आदमी के दिलो दिमाग में यह ख्याल पैदा होता है, क्या इस जमहूरियत वाले मुल्क में दो किस्म के कानून हैं, क्या मुसलमानों के लिए अलग और लोगों के लिए अलग। अगर एक कानून है तो कोई एक शख्स अगर गलती करे तो उसको FIR करके 6-6 महीने 7-7 महीने, जैसे मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल में रखा गया, किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया था उसके बाद भी। और रामगिरी महाराज ने पूरी दुनिया के जो पूरी दुनिया का आस्था जुड़ा हुआ पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं किया रामगिरी महाराज पर। अभी तक यही हम लोगों को चिंता का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जिसके चलते पूरे मुल्क में शांति भंग हो रही है। महाराष्ट्र के रामगिरी महाराज ने जो स्टेटमेंट एक मीटिंग में दिया है, जिसमें जो है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद और उनकी अहलिया मोहतरमा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किया है और इस्लाम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किया है, जिससे जो है पूरे भारत में मुसलमानों की आस्था को चोट पहुंची है, ठेस पहुंची है। उसी के हम लोग जो है विरोध प्रकट कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि रामगिरी महाराज को जितना जल्द हो सके गिरफ्तार कर उन पे जो है कानूनी कार्रवाई, क्या बोल संविधान के तहत संविधानिक जो होता है उसके तहत होना चाहिए। और देशद्रोह और धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए जो उन्होंने जो है प्रयास किया है उनको जो है उन पर जो है कार्रवाई होना चाहिए। कि आज पूरे हिंदुस्तान का माहौल एक पंडित द्वारा ख़राब किया जा रहा है, जिसका नाम रामगिरी महाराज है। उसने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, माँ आयशा की शान में गुस्ताखी की। हालांकि हिंदुस्तान संविधान से चलता है और हिंदुस्तान में हर वो शख्स गुनहगार शुमार किया जाएगा जो किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ अपनी ज़बान खोलता है। और यहाँ तो बात हमारे ईमान और अकीदे की है, मज़हब की है, और जो हमारे पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार हैं, हमारे मालिक हैं और हमारे मज़हब के प्रोफेट हैं, उनके खिलाफ ज़बान दराजी करना या माँ आयशा के ख़िलाफ़ ज़बान दराजी करना ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसलिए चाहे हम मुस्लिम कौम हो, चाहे अमन परस्त जितने लोग हैं हिंदुस्तान में, वो सब चाहेंगे कि ऐसे टिप्पणी बाजी करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हिंदुस्तान के माहौल को बहाल किया जाए और अच्छा माहौल पैदा किया जाए, ताकि हम लोग अमन शांति के साथ ज़िंदगी गुजार सकें।